गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होने चाहिए, राइट? तो आज एक्चुअली गाइस है गायत्री जयंती, तो बस उसलिए मैं खीर बना रही हूँ गायत्री माता को भोग लगाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपको भी दिखा दूँ कि मैं कैसे खीर बनाती हूँ। थोड़ा सा लिटिल बिट ट्विस्ट है इसके अंदर मेरे मम्मा का, मेरे मम्मा बनाते हैं वैसे बना रही हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर वो ट्विस्ट देते हैं। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ अपनी ये खीर। तो मैंने यहाँ पे 2 किलो गोल्ड दूध लिया है, अमूल गोल्ड दूध। तो मैंने अभी उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, और जब मैंने इसको इसमें दूध डाला तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी नीचे ऐड कर दिया ताकि जो दूध है वो इसके अंदर लगे नहीं पतीले पे नीचे। तो बस इसको मैं एक बार थोड़ा सा बॉईल होने देती हूँ, फिर इसमें राइस डाल के और फिर बॉईल करूंगी। तो बेसिकली रेशो बहुत ही नॉर्मल है, जैसे अगर आप 1 kg दूध लेते हैं तो उसमें 25 grams ऑफ राइस होना चाहिए, और अगर आप 2 kg ले रहे हैं तो उसमें डबल यानी 50 grams ऑफ राइस होना चाहिए। और चीनी का पोर्शन भी हम कुछ इस तरह से ही डालेंगे, बिकॉज 2 किलो दूध कट कट के 1/2 kg तो इसके अंदर से कट ही जाएगा बॉईल करने में, तो उस अकॉर्डिंग ही हम इसमें शुगर भी ऐड करेंगे ताकि ज्यादा नहीं हो, ठीक है? तो बस इसको एक बार बॉईल आने देते हैं, फिर जब तक मैं अपने जो राइस हैं वो मेजर करके और वॉश करके रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने 50 ग्राम ऑफ राइस मेजरिंग कप में मेजर कर लिए हैं। अब मैं इनको वॉश करके रख लेती हूँ ताकि जब मेरा दूध बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं उसमें डाल दूंगी। मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम करके एक बार एक उबाल ले आती हूँ ताकि फिर इसमें राइस डालूंगी तो फिर मुझे और बॉईल करना पड़ेगा। तो उसको मैं कंटिन्यूसली ना हिला रही हूँ उससे चम्मच से ताकि वो लगे ना नीचे। चम्मच मैंने बहुत छोटा ले रखा है स्पून, बिकॉज भगवान को भोग लगाना है तो भगवान के लिए बर्तन जो है मेरे वो अलग ही रहते हैं। तो डेली यूज में हम लोग खाना खाते में वो वाले बर्तनों में भगवान को भोग लगाने वाला खाना नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे पास ये छोटा वाला स्पून। मैं पर इसको कंटिन्यूसली हिला लेती हूँ एक बॉईल आने तक, नहीं तो अगर नीचे लग गया तो फिर खीर का टेस्ट जो है वो बहुत खराब हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर काजू बादाम जो भी चीजें डालनी है वो डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, पर मैं नहीं डालती हूँ। मैं इसको बस ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल, बहुत यम्मी और टेस्टी बनती है, क्योंकि इसमें लास्ट में हम एक ट्विस्ट देंगे, लास्ट में नहीं इन बिटवीन ही देंगे हम लोग जब बना रहे हैं। मेरे मम्मा देते हैं, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। हमारे यहाँ पे मम्मा हर ओकेजन पे जब खीर बनाते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड इसी की होती है, बाकी सब चीजें तो मम्मा नो डाउट बहुत अच्छा बनाते हैं, बट इसकी डिमांड बहुत होती है, और दो मामी से और दे दो, मामी से थोड़ा और दे दो। इवन घर पे भी लेके जाते हैं हमारे घर पे जो भी गेस्ट या रिलेटिव आते हैं कि अच्छा भाई ठीक है आप थोड़ा सा हमें पैक करके दे दो, बहुत यम है। कईयों को गरम खीर पसंद है, कईयों को चिल्ड है, किसी को नॉर्मल पसंद है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको उबाल आने में। बस एक बॉइल आ जाए तो फिर मैं इसको सिम कर दूंगी और इसमें चावल डाल दूंगी जो मैंने वॉश करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो देखिए मेरा जो दूध है वो बॉइल हो चुका है, वो इसमें एक उबाल आ गया है, तो अब मैं इसको ऊपर सिम कर देती हूँ ताकि ये बाहर ना निकले, और ये जो वॉश करे हुए राइस थे वो मैं इसमें डाल देती हूँ। एक बार हिला के मैं इसे सिम पे ही अब इसको बॉईल होने दूँ। इन बिटवीन हम इसको चलाते रहेंगे, अदरवाइज पता चले कि दूध नीचे लग गया
तो अब इसे बॉईल होने देते हैं सिम पे करने के बाद अपने आप। और फिर जो लिटिल बिट जो मैंने बताया था एक छोटा सा ट्विस्ट वो मैं भी दूंगी, पहले इसको थोड़ा अच्छे से बॉईल होने दीजिए। फिर मैंने आपको बोला था ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट इसके अंदर है, तो वो ट्विस्ट ये है, दिस इज अ कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने एक टेबल टीस्पून कस्टर्ड पाउडर इसमें लिया है अब दूध के अंदर, और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि कोई लम्स ना बने। और फिर मैं इसको अपनी खीर में डाल देती हूँ। यस, दिस वाज द छोटा सा ट्विस्ट टू माय खीर। बस इसको हम चलाते रहेंगे इन बिटवीन कि ये बस लगे ना, जब तक हमारी की खीर थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। दूध हम इसमें बाद में डालेंगे क्योंकि एक बार ये नॉर्मल जितना हमें इसको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी हो जाए तो उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है ना। अदरवाइज अभी हम इसके अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे जितना दूध है इसमें, तो फिर वो चीनी बाद में ज़्यादा हो जाएगी तो मीठी मीठी खीर हो जाएगी, ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता। कम मीठा तो खाया जाता है, ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता अकॉर्डिंग टू मी। आपका नहीं पता तो इसको और हिला लेते हैं थोड़ा सा और इसको उबलने देते हैं। तो अब देखिए मेरा जो दूध है वो ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है जितना मुझे करना था, तो मैं इसमें शुगर डाल के फिर इसको बॉईल करती हूँ। तो शुगर जो मैंने है वो मेजर करके रख रखी है, यानी 1 किलो के अंदर 100 ग्राम डालते हैं, 2 किलो के अंदर 200 ग्राम हो गया, लेकिन 1/2 kg तो हमने इसको उकालने में ही बॉईल करने में ही काट दिया। तो हम 150 ग्राम जो चीनी है, मैंने यहाँ पे 150 ग्राम चीनी ली है, 150 ग्राम चीनी जो है वो हम इसमें डालेंगे। और अब वापस से इसको हम बॉईल होने देंगे ताकि ये अच्छे से घुट जाए। थोड़ा और अभी हम बॉईल करेंगे, फिर लास्ट में बस हम इलायची पाउडर डाल देंगे, दैट्स इट। पर अभी इसको हम बॉईल होने देते हैं अच्छे से, थोड़ा और ये दूध कट जाए शुगर के साथ और ये थोड़ा इसकी थोड़ा थिकनेस हो जाए इसमें खीर में। जितना हम इसको बॉईल करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मतलब ऑलमोस्ट आप इसको सिम पे रख दीजिए, फिर आप भले अपना कुछ काम करते रहिए, बीच में आप इसको चलाते रहिए, लगेगा नहीं। बट हाँ, इसको बनने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, 1 से 1.5 घंटा प्रॉपर तरीके से। तो अब इसको हम और बॉईल होने देते हैं थोड़ा सा। सो, देखिए हमारी खीर है वो बहुत अच्छे से घुट गई है, बन गई है, गाढ़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो हम इसको ठंडी करेंगे तो थोड़ी और वो अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसमें मैं डाल देती हूँ इलायची पाउडर। बस बन गई। तो गाइस मेरी खीर रेडी हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं मैंने इसको एक बाउल में, छोटे से बाउल में शिफ्ट कर लिया है। बाकी मेरा जो है वो यहाँ इस भगोने में है, जो मैंने 2 किलो दूध की जो खीर बनाई थी वो इतनी बनी है। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शावर योर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस एंड थैंक यू सो मच अगेन। कमागनी।